मनोवैज्ञानिक रिसर्चेज में पाया गया है कि जो बच्चा जितना ही अधिक आज्ञाकारी होता है, सर्वाधिक आज्ञाकारी बच्चे सर्वाधिक मूर्ख होते हैं। सही बात बता रहा हूं, शोधों में पाया गया है। और विद्रोही बच्चे पाया गया है सदैव बुद्धिमान होते हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि महावीर जैसे लोग, बुद्ध जैसे लोग, कृष्ण जैसे लोग, क्राइस्ट जैसे लोग, सदगुरु नानक जैसे लोग, ये सारे विद्रोही लोग थे जिन्होंने बगावत की एग्जिस्टिंग पारिवारिक व्यवस्था के खिलाफ, बगावत की समाज की व्यवस्था के खिलाफ, बगावत की मनुष्यता की हजार हजार सालों से चली आ रही मूर्ताओं के खिलाफ। और कौन कर सकता है ये बगावत? केवल इवाचित्त वाले लोग कर सकते हैं। उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, उनके भीतर ऊर्जा है, उनके भीतर समझ है, इसलिए ये विद्रोह करने की ताकत जो आप में है, पहले आपके जीवन को बदलने में लगाई जानी चाहिए। पहले आपके भीतर जो अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं, उनका विस्फोट करने की दिशा में आपको सक्रिय होने की जरूरत है। इसलिए आपको खोजना चाहिए। कितने लोग इस बात को जानते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर अनंत शक्तियों का स्रोत है, हर व्यक्ति के भीतर असाधारण प्रतिभा छिपी हुई है। मेरा मानना है कि सभी लोग इस बात को जानते हैं। यस आर नो? यस। लेकिन कभी गौर से देखें, आपके भीतर क्या कभी ये प्यास पैदा हुई, ये तत्परता पैदा हुई कि जब हमारे भीतर अनंत शक्तियां छिपी हैं, तो कौन सी विधि है, कौन सा उपाय है, कौन सी डिवाइस है जिससे मैं अपने भीतर छिपी हुई अनंत शक्तियों को जगा सकूं? किसी के भीतर नहीं पैदा हुई। मैं चाहता हूं इसकी प्यास आपके भीतर पैदा हो, तभी तुम युवा हो, अन्यथा नहीं। और ये किसी दूसरे के लिए नहीं करना है, इसे स्वयं अपने लिए करना है। किसी दूसरे के लिए नहीं करना है, सिर्फ स्वयं को विकसित करने के लिए करना है, ताकि बिना खिले फूल की कली मुरझा ना जाए। दूसरे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बचपन से ही बच्चों को सिखा दिया जाता है, उन्हें हिंदू बना दिया जाता है, उन्हें मुसलमान बना दिया जाता है, सिख बना दिया जाता है, ईसाई बना दिया जाता है, और उन्हें कुछ पता नहीं है कि उन्हें क्या बनाया जा रहा है। ये जो संस्कारित कर दिया जाता है, पूरी तरह संस्कारित कर दिए जाने से फिर बच्चा अंततः विवश हो जाता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वो विचार नहीं कर सकता, वो सोच नहीं सकता जीवन के बारे में, परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में, अस्तित्व के बारे में, आत्मा के बारे में, स्वयं के बारे में सोचता ही नहीं, सोच सकता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको काठ का उल्लू बना दिया गया, बिना जाने अनजाने, इनोसेंटली, जब वो क्लीन स्लेट था, मात्र अबोध बच्चा था, उसके भीतर बार बार इस तरह से उस तरह से सब चीज़ें समझा के उसे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई बना दिया गया, और जिसका परिणाम क्या हुआ, वो यंत्रवत जीने लगा। अब अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का उपयोग नहीं कर सकता है वो। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस कंडीशनिंग का, इस संस्कारित करने का कितना बुरा असर पड़ता है कि आदमी सारे के सारे झूठे हिंदू हो जाते हैं, झूठे मुस्लिम हो जाते हैं, झूठे सिख और झूठे ईसाई, नपुंसक धर्म उनके भीतर पैदा हो जाता है। जो धर्म उनके भीतर डाल दिया गया, वो उनके अपने भीतर से आया नहीं, उनकी आत्मा से आया नहीं, उनकी समझ से आया नहीं, उनकी सोच से आया नहीं,
उनके भीतर की क्रांति से नहीं आया, सिर्फ उन्हें ब्रेन वॉश कर दिया गया। इसी प्रकार से चित्त को बूढ़ा करने की दूसरी तरकीबें हैं कि आपके भीतर राजनैतिक विचारधाराएं डाल दी जाती हैं। किसी को मार्क्सवादी बना दिया जाता है, किसी को कम्युनिस्ट, किसी को कैपिटलिस्ट, किसी को समाजवादी, ये सब सिर्फ संस्कारित कर दिया जाता है। अपने विवेक का उपयोग करके आप ये सब काम नहीं करते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, कैसे आपको आपके चित्त को बूढ़ा किया जाता है, वो ये है कि हर माँ बाप बच्चे को महापुरुषों का अनुकरण कराना सिखाते हैं। हर माँ बाप बच्चे को, कोई बुद्ध बनाना चाहता है, कोई कृष्ण की तरह बनाना चाहता है, कोई विवेकानंद की तरह बनाना चाहता है, कोई इस तरह बनाना चाहता है बच्चे को, कोई उस तरह बनाना चाहता है, किसी न किसी शास्त्र में ढालना चाहता है। मैं हृदय से कहना चाहता हूँ, किसी का अनुकरण करने लगना अपने भीतर की संभावनाओं का गला घोट देना है। अनुकरण सदैव आत्मघाती होता है, स्वयं को नष्ट कर देता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेया, यानी जो आपकी आंतरिक वृत्ति है, उस आंतरिक वृत्ति को खिलने का अवसर देना ही धर्म है। धर्म न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, ईसाई है। हर व्यक्ति अलग अलग कुछ न कुछ होने के लिए पैदा हुआ है। जो उसकी आंतरिक संभावना है, उसी को पूरी तरह खिलने का अवसर मिलना चाहिए। इसी को स्टीन ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, ये रोज जे रोज जे रोज जे रोज, यानी गुलाब का फूल सिर्फ गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल है, और उसको सिर्फ खिला हुआ गुलाब का फूल होना चाहिए। अगर गुलाब का फूल कमल होने की चेष्टा करता है, प्रयास करता है, कमल होने के लिए संघर्ष करता है, तो इसका परिणाम क्या होगा? इसके दो परिणाम होते हैं। गुलाब का फूल कितना भी प्रयास कर ले, कितनी भी चेष्टा कर ले, जिंदगी में कभी कमल का फूल नहीं हो सकता। पहली बात तो कभी हो नहीं सकते हैं आप वो जो नहीं है। दूसरा, इस चेष्टा में दूसरा दुष्परिणाम होता है कि गुलाब का फूल जब कमल का फूल होने की चेष्टा करता है, तो पहली बात तो कमल का फूल कभी हो नहीं पाता है, और दूसरी बात वो पूरी तरह गुलाब का फूल होकर खिल भी नहीं पाता। और यही दुर्भाग्य आप सारे युवाओं के साथ है कि आप जो भीतर से हो, वह होने की संभावना आपकी समाप्त हो जाती है, पूरी तरह खिलने की संभावना आपकी समाप्त हो जाती है। और इसका परिणाम क्या होता है? जो तुम्हारे भीतर लिमिटलेस पोटेंशियल है, वो विकसित नहीं हो पाती, वो कुंठित हो जाती है, मर जाती है। दूसरी संभावना क्या होती है? तुम्हारा जीवन यांत्रिक हो जाता है, मैकेनिकल लाइफ हो जाती है, होशपूर्ण जीवन नहीं रहता, एकदम रोबोट की तरह जीते जीते एक दिन समाप्त हो जाते हो। तुम्हारी बुद्धि विकसित नहीं होती, तुम्हारी क्षमताएं विकसित नहीं होती, तुम्हारे जीवन में आनंद की तरंग नहीं आती। तुभेक्ष लोगों के द्वारा नेक इरादे से किए गए ये सारे काम, माँ बाप, शिक्षक, समाज आपके शुभेक्षु हैं, नेक इरादे हैं, लेकिन वे बेचारे जहर को अमृत समझ लेते हैं और उसे तुम्हें पिला देते हैं। इसका सिर्फ एक कारण है कि हजार हजार साल से यही होता रहा है, जो हमें जहर को अमृत समझकर पिलाया गया है, वो जिन्होंने हमें पिलाया उन्हें भी इसी तरह उनके पहले की पीढ़ी ने पिलाया, और उनको भी उसके उनके पहले की पीढ़ियों ने इसी तरह पिलाते रहना जारी रखा। अब 21वीं सदी में मैं युवा को चाहता हूँ कि इसको सोचे और अपनी जीवन दृष्टि को, जीवन दिशा को बदलने की दिशा में सक्रिय हो। अगर तुम जानते हो कि तुम्हारी अनंत संभावनाएं हैं, तो उन अनंत संभावनाओं को जगाने की कला सीखने की प्यास तुम्हारे भीतर पैदा हो। एक हंसता हुआ नया मनुष्य तभी पैदा हो सकता है जब तुम्हारे भीतर युवा चित्त पैदा हो।
इसलिए पूरी पृथ्वी पर, पूरी मनुष्यता में हमें नए बच्चे चाहिए, नए युवा चाहिए जो युवा चित्त वाले हो। और मेरा मानना है कि अगर हिंदुस्तान में युवा चित्त के लोग पैदा हो जाएं, तो इस सारी पृथ्वी पर एक हंसता हुआ नया मनुष्य पैदा किया जा सकता है।